गुड आफ्टरनून सारिआं नूं। होर सुनाओ की हाल चाल है। तो अज असीं जा रहे हैं शिकार करन, तो मेरे साथी दो राजा और पतलू मेरे नाल चले हुए ने। आ देखो सब तो खतरनाक, अज असीं फंदा बना रहे हैं तित्तर पकड़ने वाला, जे नाल असीं खरगोश भी पकड़ सकने हैं। तो तुसीं व्यू देखो, व्यू किन्ना घैंट है। हाँ वेखो जी, तो मेरे साथी सहयोगी मैनू पिछे छड़ गए। पनामा के जंगलों से असं पहुँच चुके हैं। पनामा के जंगल इन्ने खतरनाक है कि इतों टप्पना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं और मेरे दोस्त जा रहे ने इस युद्ध में भाग ले हैं इस युद्ध की लड़ाई खत्म करने वास्ते। लेकिन पता नहीं किन्नी दूर है ये युद्ध की सतह। मेरे दोस्त पतलू ने तीन हथियार फड़े हुए ने, तीन, पहला तीर, दूजा तीर, तीजा तो उन्हीं गंडासा फड़े हुए जिन्हें कुक्कड़ वड़ते हैं। और देखो सब तो खतरनाक राक्षस जिहदा नाम है राजा कतरका, बहुत ही खतरनाक अज लड़ाई होने वाली है साडे इन दोनों महायोद्धियों विच। अज देखो की बनता है, जगह बहुत ही खतरनाक है, जिवें कि भूत घूमते पे ने इत्थे। ते रस्ते सानू होर भी कुछ पेड़ दे मिले है, ये देखो कभी वेख्या है नहीं वेख्या अभी तुम दस, वह साडा शिकार उड्डिया पिया है, तुम भी सोच सकते हो। तो देखो हसते जा रहे ने छोटे छोटे चेहरे है, जिन्ने छोटे छोटे चेहरे है उन्ने खतरनाक गहरे है। लो जी साडे नाल साडे जनाब टकुआ मास्टर भी नाल ही है। लो जी पहला इन्होंने सट फेरनी है इतने के बूटे ओले, मैं लगता खतरा ही खतरा है, लगता कोई बूटे बढ़ना आया इतने। बहुत ही खतरनाक जंगल एरिया है। तो इतने अं सफाई करते हुए अपने सभ्या सफाई अभियान राजा जी ने दसते हुए, देखो जी की करते पे ने। और पतलू जी ने तीन अस्त्र फड़े ने, ये पता नहीं कि जगह चलने ने। पतलू जी तुम इस बारे की कहना चाहते हो अपनी भाषा, ये कानू तुम फड़े हो, ये किस की करना है इन्हों का, ये कोई कुछ फड़ने वास्ते है? हाँ चलो ठीक है, फिर अं आप गल करते अपने शोधकर्ता राजा जी का। कहते ने इतने इन खजाना लभ गया है, पर मैनू लगता नहीं खजाना मिले, ये कुछ होर ही पुटन लगा है इतों। दिखते हैं चलो देखो, ओ जड़ा पुड़ती है नहीं तो सू तो हाथी नाल भी तो लो जी तेज तलवार कटार नाल लगा है पहला फट मार। ओ बड़ी उंगल होनी अपनी, ओ लाती उंगल देखो जी, ये बूटा किन्ना हो गया, किन्ना वर्दिया बनना जी, ये आराम दे सारे बूटे तोड़ते फैड़े मुस्तेरा कंजरा। चलो कोई बात नहीं, आपको छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं बीच में, देखते हैं। कट कटाई हो रही है, मैं अपने साथी पत्रकार से कहना चाहता हूँ कि आप भी उसके साथ हाथ बटाइए, बटाइए हाथ, मैं भी हाथ बटाता हूँ, चलो करो करो डंडा फड़ा, इनको डांटा पकड़ा है, लांडवा पकड़ा दे। ये बहुत भोजपुरी भाषा बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से आ चुके हैं, इनके पीठ पीछे बहुत पिछू लग गए हैं, जो कि वृक्षों के पीछे लगते हैं, और मेरे पजामे में भी लगता है लग गए हैं। बहुत ही खतरनाक पिछू है ये देखिए छोटे छोटे टिड्डू से, ये ऐसी जोक है कि ये पजामे में से सारे कीड़े निकाल देती है। ये देखिए, ये देखिए कहाँ गई, ये देखिए मेरे हाथ में है, इसको ऐसे करा दे कुछ नहीं होगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। और यहाँ पर पहला शिकारी फंदा लगा चुके हैं राजा राजा महाराजा, और यहाँ पर इन्होंने क्या निकाला राजा जी, आप बता सकते हैं ये क्या है? रस्सी। हाँ रस्सी, ओए कांटे भी है यहाँ पर, हमने सोचा फुलवा। देखिए तेज कटार से हाथियों के झार से डरते हैं कुत्तों की तलवार से, ये वो इंसान है जो फंदा लगा के भी डंडा नहीं खड़ा कर सकते, आप देख ही सकते हैं बहुत ही डेंजर खतरा है इस यहाँ पे, यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं भूत, नहीं ये किसी पर नहीं चढ़ेगा, ये ओनली तित्तर वाले पंजरे पर चढ़ेगा। ये देखिए फिर से खून चूसने वाली जोक इसके साथ लग चुकी है, नहीं ये तो यार कंडे हैं, हम तो वैसे ही ठंडे हो चुके थे। और यहाँ पर इन्होंने वो कारनामा करने वाले हैं जिनका इंतजार था, देखिए फिर से लगे हैं अपना काम करने। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें हम आपको तित्तर पकड़ना वा जरूर बताएंगे, फंस गए तित्तर बन गए सबके मित्र। देखिए और राजा जी ने यहाँ पर फिर से
रस्सी डाल ली है जेब में, बहुत ही शर्म की बात है। तेज तलवार की नोक है, लोगों की धोख है। और ये उनके लिए बना रहे हैं जो कि यहाँ पर दो नंबर डोंकी लगा कर आते हैं, और जो इंसान इसमें फंसेगा वो राजे के हर तेज तलवार से कटेगा और उसका रात में कीमा बनेगा। और लगता है इन्होंने कुछ गोलियां निकाली हैं। ओह, ये तो कुछ ही हो रही है, इतनी तीखी तीखी लकड़ें, ये लगता है किसी का कत्ल करने आए हैं यहाँ। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इन्होंने पहले तीन लकड़ियां निकाली, नहीं दो ही निकाली, फिर तीसरी फेंक दी, फिर डाल ली। अरे ये क्या, ये तो वही बात होगी, तरीक पे तरीक। आखिर कब तक होगी ये तरीक। देख ये, अगर आपको जंगल में कहीं शिकार करना है तो ऐसे शिकार कीजिए। देखिए यहाँ पर ना ही हथौड़ी की लोड़ पड़ी और ना ही किसी हथियार की, इन्होंने तेज तलवार कटार से जो काम करना था वो फटाफट किया है। देखिए देखिए, एक लकड़ी उन्होंने गाड़ दी है धरती में, दूसरी फिर गाड़ने वाले हैं, देखते जाइए। यहाँ पर हम अक्सर नए नए प्रोजेक्ट, नए नए टेक्निक से फंदे लगाते हैं, लेकिन ये जो कि आधुनिक पुरानी तकनीक है जिससे कि हर चीज़ फंस जाती है, इसमें इंसान भी फंस सकता है। क्या फंस सकता है? जरूर फंस सकता है। देखिए, और ये यो इधर देखिए, कुछ भी नहीं है, सारा घना जंगल है। यहाँ पर हाथी शेरों का जंगल है, वो यहाँ पर रात, अरे शेर की आवाज, मेरे साथी से मैं कहना चाहता हूँ भागो, भागे मेरे दोस्त। लगता है यहाँ पर कुत्ते भी भौंकते हैं। हाँ, कुत्ते भी हैं, कोई बात नहीं, आज हम कुत्तों का भी इलाज कर देंगे। लगता है भेड़िए भी आ चुके हैं। बहुत ही, मैं राजा जी से पूछना चाहता हूँ, आप कितने फंदे लगाएंगे? तीन फंदे ऐसे लगाएंगे, तो अगर आप सोच लीजिए तीन तितर पकड़ गए तो सम छितर भी पकड़ गए। और आप देख सकते हैं ये इन्होंने डोरी निकाली है और यहाँ पर ये डोरी बांध रहे हैं, ये डोरी बांध दी गई और ये कस भी दी है इन्होंने डोरी। लगता है शिकार को खुशबू आ ही गई है हमारी, कि यहाँ पर कुछ बैठा हुआ है, ये कुछ और ही आवाजें निकाल रहा है। और राजा जी आप हमें बताएंगे कैसे इसमें तितर फंसेगा? आप पहले इसको बांधिए, पहले उन्होंने डोर का नाप लिया कि कितनी डोर लगनी है। राजा जी सही कहा ना मैंने? तो आप बताइए हमें। अरे यहाँ पर कौवे भी रहते हैं, देखते हैं आज। अब इनको पता नहीं क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? लकड़ी, एक लकड़ी देते हुए इनको बहुत ही समय लगेगा हमें, ये आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए बहुत ही घबराहट हो रही है, पता नहीं कौन सा ये बम फोड़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी बम की जगह लगता है मेरे पीछे भेड़िया पड़ गया है, भेड़िया भी दो टांगों वाला और दो हाथों वाला, बहुत ही है रंग उसका काला, लेकिन फिर भी कहता है अपन है झंडू बम वाला। एक मिनट रुक यार, अरे फिर से देखिए दांत से कैसे काट रहे हैं, जैसे हल्का कुत्ता होता है। देखिए हंसने की बात ही नहीं है। देखिए देख सकते हो भाइयों, इन्होंने फंदा बना लिया है, अब ये ट्राई मारने वाले हैं। देखते हैं क्या, पहली ट्राई मारेंगे हम राजा की उंगली पर, और नहीं पहली ट्राई कुल्हाड़ी पे बिल्ली के साथ। हाँ देखते हैं, फंस गया जंगली बिल्ला। ये देखिए इसके लता से ऊपर करते, ये देखिए ये सबसे खतरनाक है, गौर से कितना भारी भरकम भेड़िया है। देखिए क्या करके आ रही है, हमें क्या पागल समझा है, सुबह का लेकर शाम तक इधर ही लगे हुआ है। देख हंसे हंसे, इधर मतलब कुछ फंसेगा। अयो बहुत ही खतरनाक सीन है जी, हम तो आई, ये क्या हुआ, छूट गया, फंस गया मुर्गा। अरे ये देखो
वीडियो नहीं काटने का ना राजा जी, आप हमें एक बार बांध के बताइए कैसे ये फिर से फंदा लगेगा। लकड़ी चाहिए।